दोस्तों, मैं शत्रुघ्न पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मिशन कैरियर में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम रीजनिंग पर कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, प्यारे दोस्तों देखिए, जैसा यहाँ पे पहले से लिख चुका हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाने नहीं आया हूँ सवाल प्यारे बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो ABCD यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट के जो प्रयोग हैं उनके नंबर याद करवाएंगे प्यारे बच्चों। जो नंबर नहीं याद होने के कारण से बहुत सारे बच्चे कम समय में सवाल को नहीं समझ पाते कि कौन सी अल्फाबेट का जो अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड है, लेटर है, वो किस नंबर पे आता है। तो लोग उनको याद ही नहीं रहता, वो अच्छे से कर ही नहीं पाता। प्यारे बच्चों, मैं जो तरीका आज आप लोगों को बताना जा रहा हूँ कभी नहीं भूल पाएंगे आप, क्योंकि व्यक्ति वही चीज लंबे समय तक याद रख सकता है जो चीजें वह दिख सके। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को उस नजर से दिखाऊंगा प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला में कि जो आप कभी नहीं भूल सकते। वादा करता हूं दोस्तों, अगर भूल जाएंगे तो आप मुझे भूल जाइएगा। देखिएगा प्यारे दोस्तों, मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, मैं दिखाता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट जो ऑर्डर होती है वह ABCD क्रम में ऐसे करते हुए एंड तक जेड तक जाती है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, पूरे 26 अक्षर पे आए बच्चों। अभी 26 नंबर में कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, जैसे कोई पूछ दिया आपसे कि H किस नंबर पे, पूछेगा मतलब H किस नंबर पे आता है, तो आपको बताना चाहिए कि 8 नंबर पे। ऐसे लर्न होना चाहिए था परफेक्टली। K पूछा किस नंबर पे, 11 नंबर पे। L पूछा किस नंबर, 12 नंबर पे। T पूछा कितने नंबर, 20 नंबर पे। W कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। प्यारे बच्चे, जैसा मुझे याद है आपको भी 2 मिनट के अंदर याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे। वादा करते हैं प्यारे, कभी नहीं भूलोगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे यह याद किया जा सकता है लंबे समय के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं जो हमने पहले लिख दिया है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जिसके नंबर मैंने पहले से ही इंगित कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसके याद करने का एक बहुत ही साधारण, सभी जगह किताबों में दिया रहता है, हम पहले आपको उसको संकेत कर दे रहे हैं। जैसे लोग याद रखते हैं ई ज्योति, ई ज्योति प्यारे एक लड़की का नाम होता है। ई ज्योति वास्तव में ज्योति की स्पष्ट स्पेलिंग नहीं होती है, पर प्यारे बच्चों ई ज्योति जो कहते हैं ना कि ई ज्योति, तो ई ज्योति का ट्रिक है बेटा, ई ज्योति। तो ई ज्योति का क्या होता है, ई 5 नंबर पे होता है, जे नंबर होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, या होता है 25 नंबर पे। यह 5 के गुणज में होते हैं, 5 के गुणज में होते हैं प्यारे बच्चों, 5 के गुणज में होते हैं। आप सोचेंगे सर जी कि मैं तो ये जानता हूं, लेकिन मैं आपको इससे बाहर बताऊंगा। मैं एक बस इसका सहारा ले रहा हूं कि आप ई ज्योति को याद रखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 नंबर को याद रखते हैं, ई के सहारे से आप बता देते हैं 6 नंबर पे, या फिर जे के सहारे के को बता देते हैं 11 नंबर पे, तो आप ऐसे याद करते हैं। लेकिन मैं प्यारे बच्चों आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा कैसे याद करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ABCD ABCD जो नंबर है, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। प्यारे दोस्तों, ये चार याद करने के लिए किसी को कोई याद करने की जरूरत नहीं होती, सबको याद है कि ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, और ई ज्योति का जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ई 5 नंबर पे हो गया सर। ये तुम्हारा ई ज्योति जब शुरू होगा तो ई 5 नंबर से शुरू है, क्योंकि 5 का गुणज है। अब इसके बाद की चीजें हमको भूलती हैं, तो हम प्यारे बच्चों दिखाते हैं। प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला में कोई ना कोई अंक छुपा हुआ, मैं उसे दिखा दूंगा, बस उस नजर से आप देखिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं प्यारे बच्चों एफ, थोड़ा गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, एफ एफ में कौन सा नंबर छुपा है, बस ध्यान से देखिएगा। जो एफ लिखा हुआ है, अगर हम इस एफ को ऐसे लिखा हुआ है, किसी एक भाग को बंद करें, अच्छा नीचे वाला भाग बंद करें, ये वाला भाग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यह एफ कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ नंबर। अरे सर एफ में तो ये 6 नंबर है, एफ में 6 नंबर है, एफ 6 नंबर याद हो गया। आगे देखते हैं जी, देखिएगा जी करते समय ऐसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जी को अगर ऐसे लिखते हो, थोड़ा ऐसे कर लो, तो कोई अंक बन जाएगा इसके सारे से, क्या नंबर बना, 7 या जी 7 सम्मेलन भी होते हैं, लोग याद कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद आपको देखिएगा एच, तो प्यारे बच्चों अगर आप एच देखें गौर से देखिएगा, इसी में अंक है प्यारे बच्चों। एच जो है ऐसे लिखा हुआ है, उसके ऊपर वाले भाग को आप मुन दीजिए, जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको डाट 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 करके मिला दीजिए, ये कौन सा नंबर है बताओ प्यारे दोस्तों। ये कहेंगे सर जी टिप टिप होगा, जो मोबाइल चलाया करते थे कभी, उसका 8 नंबर है। यस, वही 8 नंबर लग रहा है, उसी में नंबर छुपा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आई 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 आई,
तो आई को थोड़ा सा देखो अगर इस तरह, तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी आई लिखते झटके से, ऐसे भी निकल समय तो आई ऐसे भी लिख देते, तो आई में नौ अंक छुपा है। या फिर प्यारे बच्चों लोग कहते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मतलब नौ, ऐसे याद कर लीजिए बेटा आई नो। या फिर हम लोग बचपन में प्यारे बच्चों खेलते थे आई, अपने बच्चों में लुका छिपी का गेम, तो हम लोग कहते थे कि आई, तो लोग कहते कि नहीं हो मत आवा, तो आई से नहीं याद करके आप प्यारे बच्चों नौ याद कर सकते हैं कि आई नहीं, नहीं मतलब नौ। प्यारे बच्चों ये टोन है याद करने के लिए, कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसे याद करना है, बस हमको किस तरह से माइंड में सेट हो, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें उसे जोड़ लो, अब उसे जोड़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, तो अपने जीवन से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो आप देखा आई नो, नौ याद हो गया। अब देखते प्यारे बच्चों जे, जे देखो प्यारे बच्चों ऐसे बनता है, तो जे ज्योति में भी आप याद कर सकते हो, जे दस नंबर पे, अगर इसको नहीं याद रहा है तो जे से आप जितेंद्र, जितेंद्र जो फिल्म का हीरो है, आप जानते हो जितेंद्र हीरो को, जितेंद्र के स्पेलिंग में जे शुरू होता है, एक बीच में एक वर्ड आता है टेन, स्पेलिंग सही नहीं है, मायने मत रखने का, बस आप टेन देखिए इसमें, यानी कि जे टेन आप नाम याद रखे तो जे टेन नंबर पे। डियर आगे देखते हैं के, प्यारे बच्चों के को ध्यान देखिएगा, के देखिएगा प्यारे बच्चों के, कभी कभी हम लोग सोते हैं तो एक पैर सीधे कर लेते हैं, एक पैर इस पे चढ़ा लेते हैं, तो लोग कभी हम लोग पास होते हैं अच्छा से कोई ऊपर पैर रखे सोए, हम लोग गुस्सा जाते हैं, अरे भाई ऐसे कैसे सो रहे, थोड़ा पैर सीधे कर लो, तो के दोनों पैर सीधे कर लो, याद जाएगा। ये के है ना, ये के है जो ये ऐसे आकर के, प्यारे बच्चों देखो ऐसे करके आके ऐसे है, जिसका पैर टेढ़ कर, भैया तुम सोझे करके सोइए, ऐसा कहे सो रहे हो, इसका सोझे कर दीजिए तो एक पैर अगला भी, तो कितना नंबर आ जाएगा, 11। याद हो रहा है ना प्यारे बच्चों, पूरा याद जाएगा, देखते रहिएगा कि 11 कभी नहीं भूलेंगे जब अपने जीवन से जोड़ लेंगे चीजों को। तो अब एल देख लीजिए प्यारे बच्चों, एल एल देखिए, एल देखिए प्यारे बच्चों कौन सा नंबर निकला है, एल में कोई नंबर दिख रहा है आपको, दिख रहा है प्यारे बच्चों, यार दो की तरह दिख रहा है, तो दो नंबर होगा क्या, दो पे तो बी है, ए बी दो नंबर पे आता है, लेकिन एल दो नंबर पे नहीं प्यारे बच्चों, एल मतलब 12 नंबर, याद हुआ, देखिएगा ध्यान से। एम को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि याद कर लियो, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दे, लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसको मिटा ले रहे हैं। अब हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं एम को, चलो एम लिख देते हैं, एम प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, एम लिखे हुए हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए एम, एम में कोई गिनती दिख रही है, देखिए ना, ऐसे कभी गिनती हम लोग 3 लिखा करते थे, बस 3 क्या है, ऐसे हो गया है, यानी कि एम में सब 3 नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर में तो सी होता है, 3 नहीं मतलब होगा, ये 13 नंबर होगा, क्योंकि वो बीच में आ रहा है एम, और इसी का जस्ट उल्टा हम कभी डब्ल्यू लिखते हैं, तो डब्ल्यू में भी 3 अंक है, तो 3 अंक इसमें भी है, लेकिन यह 3 नंबर नहीं है, 23 नंबर है। अगर आप एम याद कर लें प्यारे बच्चों की, एम 13 है, तो उसका डब्ल्यू उल्टा बनता है, तो 23 याद होगा, 13 23 एम डब्ल्यू, याद राइट, याद कर, उम्मीद है कब याद रहा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद एन को देखिएगा, एन को देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप एन को अगर आप दर्पण में देखते हो प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से आपका जाएगा, ये लगभग कहीं ना कहीं आपको 4 की तरह दिखाएगा, जैसे हम लोग 4 ऐसे लिखा करते थे, 4 प्यारे बच्चों 4, एन देखिए एन की आकृति 4, देखिए थोड़ा सा गौर करिए, 4 अगर नहीं 4 दिखाया जाए प्यारे बच्चे, इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पर आई भी हो जाएगा, आई भी मतलब क्या होता है, आई भी मिलकर 4 बना है, प्यारे बच्चे 4 मतलब 14। अब बचा ओ, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने ई ज्योति का भी लिखे थे, ई ज्योति का सहारे से भी इसको याद कर सकते हैं, सर ओ बीच में आया है या ओ किस नंबर पे है, 15 नंबर पे, क्योंकि ये 15 है, यह 10 है, यह 5 है, यह 20 या 25 है, तो ओ प्यारे बच्चों ओ बोला सा 15 नंबर पे है प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम इसके बाद, अब हम इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों पी को, क्या हम पी में भी कोई नंबर देख सकते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सारे नंबर दिख जाएंगे और फिर कभी नहीं बोलोगे, पी 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 देखिएगा बेटा, पी पी देखिए ध्यान से, अगर इस पी को पलट दे तो कुछ ऐसे आएगा, पी को अपोजिट कर दे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये कौन सा नंबर है प्यारे बच्चे, अरे सर तो 6 नंबर है, तो 6 नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि 6 पे तो एफ है, ये क्या हो गया 16, कितने नंबर हो गया 16 नंबर पे हो गया। इसके बाद क्या आती है इंग्लिश क्यू, क्यू गौर करिए बेटा,
क्योंकि देखिए क्यों कैसे ऐसे काटते हैं, क्या कभी हम लोग गिनती लिखते समय कोई अंक काटा करते थे? जी सर, सात लिखते थे, कभी कभी ऐसे काट दिया करते थे, यानी ये कटा वाले में जो कटा वाला है वो सेवन है, इसमें सत्रह, तो सेवन का मतलब सत्रह। देखिए बेटा यहाँ पर क्यों किस नंबर पे, सत्रह नंबर पे, समझ में आ रही है। अगला देखते हैं आर, ये आर देखो बेटा, अगर आर में कोई अंक दिखाना चाहे तो क्या दिखेगा? तो प्यारे बच्चे जो आर है, ये आर है जो है, अगर इसको नीचे से आप ये भाग भाग बंद कर दो, नीचे वाला भाग बंद कर दो इसको, तो क्या नंबर मिलता है? आठ। आर तो नंबर होगा नहीं, क्योंकि आठ पे तो यश था, हमको पहले याद हुआ कि यश तो पहले आया था, आर अठारह। आर को आप बोलते समय भी बोल सकते थे यार आर अठारह, आर अठारह बोलिए याद जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यश की तरफ, प्यारे बच्चों यश, यश में भी कोई नंबर देख सकते हैं, देख सकते हैं, एस ऐसे बना है ऐसे, अगर इसमें कुछ भाग हमें बंद करें तो कौन सा नंबर, देखो ध्यान से, कोई नंबर दिखा? नौ की तरह दिख रहा है, नौ नौ नंबर, नौ नंबर नहीं है, क्योंकि आई नो याद किया अभी हमने पीछे, आई नो मतलब नौ, लेकिन यस जो है तो उन्नीस नंबर हुआ। अब आती है टी, टी ट्वेंटी, टी ट्वेंटी नंबर पे है, और टी ट्वेंटी मैच भी होती है, और ट्वेंटी की स्पेलिंग भी टी से ही होती है, और ट्वेंटी का मतलब ही बीस ही होता है, तो टी का नंबर भूलने का कोई दिक्कत नहीं है, टी ट्वेंटी याद हो गया। अब यू देखते हैं प्यारे बच्चे, यू U, तो थोड़ा U को गौर करें बच्चों, जो हम U लिख रहे हैं थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसमें कौन कौन अंक का सारा ले रहे हैं, देखो U, U, अरे सर ये तो 2 है, फिर 1 है, तो 2 है 1 है, इसका मतलब U कितने नंबर पे है, 21, प्यारे दोस्तों 21 हो गया U का नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी तरह भी, 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 भी ऐसे बना हुआ है, तो भी से आपको किस स्पेलिंग आते हैं, विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब हम जब जीतते हैं तो लोग कहते हैं कि हम जीत गए, विक्ट्री, तो विक्ट्री होते तो हम लोग फोटो खिंचवाते हैं दो दो उंगलियां ऐसे करके, तो ऐसे करके दो दो उंगलियां करते, तो दो दो उंगलियां का मतलब क्या हुआ बेटा, दो दो मतलब क्या हुआ, भी यानी किस नंबर पे, दो दो यानी कि 22, देखिए भी किस नंबर पे है, 22 नंबर। आपको होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू हमने याद करवा दिया, क्यों, जब हमने बताया कि आपको प्यार दोस्तों कि M 13 होता है उसका उल्टा W होता है, तो W कितने नंबर होगा, 23 नंबर, आप तो याद कर चुके हैं। अब बचा प्यारे दोस्तों X, अब देखिए X, अब X में भी अंक है, अरे X ऐसे होता तो नीचे वाला मिला दो, ये वाला हम चार लिखा करते थे, कौन सा चार है, हिंदी वाला चार होगा, तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदी वाला चार है, या इसी को हम लोग ऐसे अगर मिला दे तो इंग्लिश ऐसे मिलाकर चार लिख भी सकते हैं, ऐसे करते तो x में भी चार छुपा है, तो चार नंबर तो होगा ना, क्योंकि x y z होने वाला है, तो चार से आपको याद रखना है 24, चार से याद रखना है क्या 24। अब देखते हैं y, अब y है, y को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पांच, हिंदी वाला पांच, अगर हिंदी में आप कभी पढ़े होंगे तो हिंदी में पांच होता है 25। अब बचा प्यारे दोस्तों कौन, z, तो z को भी याद करवाना पड़ेगा, अरे इंग्लिश 26 वर्ड होता है, लास्ट नंबर है उसको क्या याद करना, तो आपको पहले से याद है, जेड किस नंबर पे होगा 26, इसको कोई याद करने का क्या मतलब है, तो लास्ट नंबर है। तो प्यारे दोस्तों याद हुआ कि नहीं याद हुआ, एक बार पुनः आप इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं एक बार इसको मिटा दे रहा हूँ सारे नंबर, और आपको एक साथ पूछ ले रहा हूँ, मैं पक्का कहता हूँ आपके दिमाग में धस जाएगा, नहीं धसेगा फिर कहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। देखिए प्यारे जो तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, आपसे कोई पूछे डी, तो डी तो चार नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है, ई, ई कैसे याद होगा, ई ज्योति के सहारे से पांच। अब हम अचानक पूछ रहे हैं के, के किस नंबर पे आएगा, सोचिए क्या बताएगा, हाँ सही सोच रहे हैं भाई, इसको सीधे कर दीजिए तो क्या नंबर आएगी, क्या चलो देखते हैं, आपसे पूछते हैं एम क्या हो गया, सब तीन नंबर है, तीन मतलब 13 हो गया, याद हुआ, चलो एक और देखते हैं आपके बीच में, आई 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 नो आई नहीं, ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा, तो नौ याद तो हो रहा है आप लोगों को। चलिए और देख लेते हैं एल, एल क्या, अरे भाई एल 12 राइट, याद हो रहा है प्यारे बच्चों। आर, आर में क्या करें, नीचे का बंद कर देता, आर कितना जाएगा 18। चलिए और देख लेते हैं, पूछ लेते हैं आप लोगों से, भी, भी, विक्ट्री, जी राइट राइट राइट, सही सोच रहे हैं आप सभी लोग, 22। टी देखते हैं, टी, टी
20 राइट 20 20 प्यारे बच्चों 20 सही आप लोगों ने सोचा। और देख लेते हैं प्यारे बच्चों डब्लू 23 जी बिल्कुल सही। और देख लेते हैं पूछ लेते हैं आप लोगों से डब्लू 23 कैसे होगी, इसमें 3 है क्लियर है ना। और उसके बाद आप लोगों से मान लीजिए क्यू कटा है से कौन सा करता है 7 से क्या हो गया 17 यानी कि 17 नंबर पर आता है। चलिए और देख लेते हैं नंबर एच 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 सोचिए क्या हुआ था। अरे सर ये तो बंद किए थे आप का नंबर इसमें 8 नंबर छुपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को सारे नंबर क्लियर हो गए होंगे ठीक है। अब अगर कोई डाउट है तो हमें बताइएगा किसी नंबर पर को डाउट अगर होता है तो। एक और पूछ लेते हैं एक प्रश्न आप लोगों से एन एन बताइए किस नंबर पे प्यारे दोस्तों क्या लग रहा है इसमें कौन सा दिख रहा है आपको। अरे सर ये कहीं ना उल्टा पुल्टा करेंगे तो कुछ दिमाग घुमाइए। अरे 14 बेटा 4 दिख रहा है कुछ 4 की तरह ऐसे कहीं ना कहीं तो 14 नंबर हुआ तो याद हुआ। अगर नहीं याद हुआ प्यारा दोस्तों तो बताइएगा लेकिन आप एक बार जरूर उसको पूरा देखिएगा और एक दो बार उसको लिखने का कोशिश करिएगा पक्का आपको सारे नंबर याद हो। चलिए आइए दोस्तों आप लोगों को एक और प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों कभी कभी अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट जो नंबर होते हैं जैसे कि किसी चीज का अपोजिट होता है ना इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला में भी अपोजिट होता है लेटर का कि ए है फर्स्ट में तो इसका अपोजिट लास्ट वाला होगा तो लास्ट वाला कहाँ होगा फर्स्ट का लास्ट होता है ए का यानी कि अपोजिट कौन होगा जेड। इसी प्रकार बी का क्या होगा अगर बी सेकेंड है तो पीछे सेकेंड का होगा वाई होगा। इसी तरीके से समस्त लेटर्स का अपोजिट नंबर होते हैं जिस पर कोडिंग कोडिंग बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो प्यारे बच्चों उसको कैसे याद करना चाहिए अगर कोई भी पूछे कि डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है तो डी होता है प्यारे बच्चों। अगर कोई पूछता है कि जे का क्या होगा तो आपको जे का तुरंत बताना है तो आपको बताना होगा क्यू होगा। तो ऐसे फटाफट किसी का भी लेटर का के का क्या होगा तो पी होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे आपको भी बस 5 मिनट देखिएगा भैया 2 मिनट देखिएगा बच्चों सबका अपोजिट नंबर आपको आज याद हो जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों मैं याद करा के दिखाता हूँ आप लोगों को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई एंड जेड। तो जो तो देखिएगा प्यारे बच्चों जो यह लेटर हमने लिखा है जो जिसके नीचे है उसका अपोजिट है जैसे ए के नीचे जेड है ये अपोजिट जेड हो गया ए का जेड जेड का ए दोनों का होता है प्यारे बच्चों ध्यान से। बी के नीचे वाई होता है बी का अपोजिट वाई हो गया सी के नीचे एक्स आया था अपोजिट सी का एक्स हो गया। इसी प्रकार से जो लेटर जिसके नीचे आए हैं प्यारे बच्चे वह उसका अपोजिट है जैसे एल के नीचे ओ आया है तो एल का अपोजिट ओ होगा और ओ का अपोजिट एल होगा। तो ठीक है सर जो जिसके नीचे आया एक दूसरे का अपोजिट होगा तो ये लर्न कैसे होगा हमें प्रॉब्लम होती है सर या लर्न नहीं होता तो उतनी आसानी से हम क्वेश्चन कर नहीं पाते एग्जाम टाइम। तो प्यारे बच्चों मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा चीज बोलूंगा केवल एक शब्द दूंगा हर अपोजिट के बीच में जो आपको याद रखना है याद कुछ नहीं रखना है वो व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें सदैव के लिए याद जाएगी सुनेगा। जैसे ए का जेड अपोजिट होता है किसी को याद नहीं करने की जरूरत है फर्स्ट लास्ट या बी का बाई 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 मतलब था द्वारा सी का एक्स हम लोग मैच कितने लगाते हैं इसे उठाकर क्या 6 स्पेलिंग पे मत जाइएगा प्यारे बच्चों स्पेलिंग पे मत जाइएगा हमको बस जोड़ना है बात को 6 यानी कि सी और एक्स। तो प्यारे बच्चों ये क्या है डी और डब्ल्यू तो डी और डब्ल्यू हमारे बनारस में डी और डब्ल्यू है तो डी और डब्ल्यू याद कर लेंगे उसको। अब ई भी प्यारे बच्चों आजकल मैसेज बड़ा छोटा लिखाने लगा है गुड नाइट को लिखना था जी एन लिख देते बेटे प्यारे बच्चों इसी तरह से इवनिंग 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 के साथ कट ई भी इवनिंग याद हुआ इवनिंग याद कर लीजिए बेटा। अफू आजकल गर्मी बहुत चल रही है लोग उफ करते हैं उफ या गर्मी या फू कुछ नहीं करते हैं सब याद कर लो याद करना है आपको जी जी टी रोड जी टी रोड जी टी रोड प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है जी टी रोड याद कर लीजिए एच एस से जोड़ लीजिए कुछ शब्द से अपने जीवन में जो अपने जीवन से घटित हो हाई स्कूल पास हुए हैं सभी लोग
हाई स्कूल या बड़ा सबका नाम की स्पेलिंग होती है ऐसे, ऐसे भी याद कर सकते हो। आई आर से आपको पता है प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत देखते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे प्यारे बच्चों, इंडियन रेलवे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, तो हमेशा देखते रहते हैं। अब जे क्यू, अब जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू क्या कह रहे हैं सर? जे क्यू हम लोग जीवन में अपने बचपन में देखा था, शक्तिमान आता था, तो उसमें थॉमस डॉक्टर जैकाल, जैक्यू, जैकाल, जैक्यू, टोन जोड़ लो बेटा, क्योंकि हमें देखे हैं, जो चीज दिखा रहता है ना मेमोरी कभी नहीं बोलता, आपको थॉमस डॉक्टर जैकाल दिख रहा होगा जब आप शक्तिमान देखोगे, तो इसी को जोड़ लो, जैक्यू, जैक्यू, जैकाल, जुड़ गया, नहीं भूलेगा। अब के पी, के पी प्यारे बच्चों, इसको आप पीके भी पढ़ सकते हैं, पीके मूवी देखे होंगे ना आप लोग, पीके जो रेडियो लगाकर चलता था, याद है? हाँ याद आ गया, तो आप पीके पिक्चर भी याद कर सकते हैं, या इसे एक और तरीके से याद कर सकते बेटा, पागल कुत्ता भी लोग याद करते हैं आजकल, तो एक और चीज चल रहा है खाने वाला, कमला पसंद, कमला पसंद, कमला पसंद है आपको, पसंद है, याद कर लीजिए, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लो, ये ना वो है, तो हम लोग देखो जीवन में बैटरी चलाते हैं मोबाइल, देख रहे हैं अभी, देख रहे हैं आप सब लोग मोबाइल पे, तो बैटरी लो होती है, लो हो गई तो टू टू करके लो, लो 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 बैटरी लो, ये तो हमेशा लो होता है सर जी, इसी स्पेलिंग में ओ डब्ल्यू यूज मत करिएगा, हमको बस लर्न करने का एक पंचिंग ट्रिक दे रहे हैं आपको, जो हमेशा माइंड में रहेगा। अब एम एन मन, या आप मैन है, मैन से याद कर सकते हो, ओमैन है तो ओमैन में मैन है, ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन मैन याद कर लो या मन याद कर लो, मन 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 लग नहीं रहा आप लोगों का पढ़ाई में, लग रहा है, लग रहा है, जब आपको चीजें समझ में आएगी तो पक्का लगेगा प्यारे बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि सारे वर्ड आपको याद होंगे। देखिए जैसे फिर से देखिए, रिवाइज कर लीजिए, ए जेड को याद करना सर, इसमें बाई है, इसमें सिक्स है, ये क्या है, डी एल डब्ल्यू, ये क्या है, इवनिंग, ये क्या है, उफ, एफ ओ, ये क्या है, जी टी रोड, ये क्या है, हाई स्कूल, ये क्या है, इंडियन रेलवे, ये क्या है, जैकाल, ये क्या है, कमला पसंद, पीके, ये क्या है, बैटरी लो, ये क्या है, मन, इस तरह से आपने सारे याद किया। आपको कोई पूछे कि डी का क्या होगा, बोलेंगे डी एल डब्ल्यू, आपको पूछा कोई कि आई का होगा, आई आर, यानी इंडियन रेलवे है सर, इंडियन रेलवे, बहुत सिंपल। आपसे पूछ दिया कोई कि प्यारे बच्चों बताओ सी का क्या होगा, सी सिक्स, यक्स, याद हो गया, सब बहुत आसान है, तो याद हुआ, बड़े आराम से याद कर सकते हो बेटा किसी का भी, जैसे मान लीजिए आप, हमने पूछा एच का, एच का एस होता है, अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, पूरा ये सेंटेंस याद करिए, उफ, मन, सी एक्स सिक्स, लव, बाई, शर्ट, अगर आप ये पूरी एक सेंटेंस याद कर ले प्यारे बच्चों, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे याद जाएंगे, दो दो के जोड़े में है, उ का एफ विलोम, एम का एन, सी का एक्स, लव की स्पेलिंग ये अपोजिट होती है प्यारे बच्चों, एल और दूसरे का अपोजिट, भी अपोजिट, और बाई अपोजिट, शर्ट की स्पेलिंग जो होती है, जो शर्ट हम लोग पहने ना, उसी शर्ट की स्पेलिंग में एस एच आई आर टी जी, ये अपोजिट होते हैं। तो आप इस तरह से इतना याद कर लीजिए, इसमें कुछ शब्द नहीं आए हैं, कुछ वर्ड जो है नहीं आए, कौन कौन से नहीं आए, जैसे डी एल डब्ल्यू नहीं आया है आपको याद है, इसमें जे क्यू नहीं आया है आपको याद है सर, तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको एग्जिट नहीं आया है ये भी याद है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आंक और छूटा होगा, नहीं तो लगभग लगभग इस सेंटेंस में ही सारे अपोजिट आ जाएंगे। और आपको अपोजिट नहीं अगर याद होता है तो आप अगर नंबर याद कर सकते हो, एक तरीका और भी है कि ए आता है एक नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, इस तरह से देखें तो दो अपोजिट वर्ड का लेटर का जो योग है नंबर स्थान का, उस 27 होता है, जैसे बी का नंबर 2, वाई का 25, अब याद किया आप लोग 27। अब देखिए जैसे, अब मान लीजिए एल का नंबर कितना होता है 12, एल 12 याद किया ना, ओ का 15, इसको जोड़िए कितना था 27, इसका मतलब कि दो अपोजिट संख्याओं का योग, लेटर का योग सदैव 27 होता है प्यारे बच्चों, तो आप किसी का अपोजिट बताना तो 27 में से घटा दीजिए, जैसे आपको पूछा कोई कि जे का अपोजिट, जे का विपरीत कौन होगा, अगर आपको आपको जल्दी से बताना है बेटा तो 27 में से जे जिस नंबर पे उसे घटा दो, जे किस नंबर पे आता है, हम जाते हैं जितेंद्र हीरो, 10 नंबर एंड 10 नंबर से घटा दो तो कितना होगा 17, 17 को कौन लेटर याद किया आपने 17, अरे जो ऐसे कट करते हैं क्यू, क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको पूछते हैं के का अपोजिट क्या है, आपको पता है कमला पसंद, को याद कर दो तो बेहतर है, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर याद नहीं तो आपको 27 में से इसका के कितने नंबर पे है, इसके पास सोचे कर दो कितना नंबर, 11 कितना आया 16, 16 नंबर पे कौन सा वर्ड है बताइए,
16 नंबर पर कौन सा मीटर है आपका? पी है, पी पी। तो आप 27 में से भी घटाकर बता सकते हैं, लेकिन 27 में से घटाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप हमेशा याद कर लो सर, ये तो ए जेड डिवाइड बाई ए सिक्स है, डी एल डब्ल्यू इवनिंग फू जी टी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जयकाल कमला प्रसन्न पी के मूवी लो बैटरी लो होती है, हम लोग जीवन में हमेशा देखते रहते हैं मन। इस तरह से सारी चीजें जो है हम कहीं ना कहीं देखे हैं जिससे हम हम जुड़ सकते हैं, और जो चीजें दिखे रहता है लाइफ में वो व्यक्ति कभी नहीं बोलता है। तो हमने जितने भी चीजें बताई आपको लाइफ में दिखने के लिए उसमें प्रयास किया, अगर आपने देख लिया तो कभी नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आज आप लोगों का अंग्रेजी अल्फाबेट का जो वर्णमाला का क्रम है वो भी याद हो गया होगा, अब पोजिट भी याद हो गया होगा। आप इसे एक दो बार लिख लीजिएगा, पक्का 100% याद जाएगा, सदैव के लिए कभी नहीं भूलेंगे। प्यारे दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।